अब तक हम जान चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना या ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो उसका फैक्टर करना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फैक्टर हम कैसे करते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर दो हो, इस तरह के क्वेश्चन हम करके देख चुके। अब हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस टाइप के क्वेश्चन में ये पूछा जाता हमसे कि x और y की वैल्यूज बताओ, या जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो x हो y हो या z हो उसमें हमसे x की वैल्यू पूछता है, x का मान कितना होगा। तो आइए हम फिर टाइप करके देखते हैं। तो टाइप वन में हम क्या देखेंगे, पहला हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल जीरो। इसमें हमसे क्या कह रहा है, वो इसमें हमसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, चाहे ऐसे पूछे या इसको ऐसे भी वो कह सकता है फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है, इसको हम दो तरह कर सकते हैं। पहला देखिए, इसको हम क्या करें, दाएं और बाएं, बाएं कितना है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, दाएं कितना है जीरो। तो हमने आपको लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में आपको सिखाया था कि जब कभी भी x की वैल्यू पूछे तो हमेशा बाईं तरफ सारी वैल्यू आप ले आइए और दाईं तरफ आप जीरो करिए। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर हमको करना आता है, नाइन को क्या लिख सकते हैं, ये थ्री का स्क्वायर, इसके दो फैक्टर बने x माइनस थ्री और x प्लस थ्री। जिन्होंने इसको ना देखा हो, जिसके समझ में ये ना आ रहा हो, वो जाके फैक्टर का लेक्चर देखे। अब देखें इसमें दो फैक्टर हो गए इसके, x माइनस थ्री और x माइनस एक्स प्लस थ्री। अगर x माइनस थ्री बराबर जीरो, क्यों, क्योंकि दाई तरफ जीरो है, तो x बराबर कितना होगा, थ्री को इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया जीरो प्लस थ्री, इधर माइनस है तो इक्वल के उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई थ्री। इधर देखें अब एक बच गया, अगर x प्लस थ्री बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना हो गया जीरो माइनस थ्री, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना बना माइनस थ्री। मतलब क्या हुआ कि हमको एक्स के दो वैल्यूज मिले, कितने मिले, दो वैल्यूज मिले, एक थ्री कामा माइनस थ्री। अब इसमें एक्स के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, देखें जो एक्स पे सबसे बड़ी पावर होगी यहां कितनी है दो, तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी एक्स के उतने ही वैल्यूज होंगे, और इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, ठीक, या इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो दो आपको मिल गए, तो हमको x का क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। ये इसका फर्स्ट वे था कि हम फैक्टर करके निकाल लें इस तरह के इक्वेशन को। सेकंड इसका क्या है, सेकंड मेथड क्या करें हम, देखो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल जीरो, तो हम क्या करेंगे, एक्स को इधर रोकेंगे, यहां माइनस है, इसको हम कर देंगे उधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया जीरो प्लस नाइन, मतलब नाइन, ठीक। तो जब हम एक्स बराबर लिखेंगे तो यहां स्क्वायर है, इधर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो जब हम किसी अलजेब्रिक फंक्शन का रूट लेते हैं तो दो सिंबल लगाते हैं, प्लस माइनस, ठीक, इसका वर्गमूल ले लीजिए, इसका रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या बना, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, मतलब एक्स के कितने वैल्यूज मिले, दो, एक प्लस थ्री एक माइनस थ्री, प्लस थ्री लिखा नहीं जाता तो एक्स बराबर हो गया थ्री कामा माइनस थ्री। आप पहले मेथड से लगाए थे तब भी इतना ही आया था, और सेकंड वाले से लगाए तब भी इतना ही आया। अब ये क्लियर हो गया। अब टाइप टू हम देख लेते हैं, टाइप वन में एक चीज हम और देख लें तब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बराबर जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा तब इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे आप देखें, अगर यहां प्लस है इसको कहां ले जाएंगे, इधर ले गए माइनस हो गया, तो जब एक्स बराबर करेंगे तो ये आ गया अंडर रूट माइनस नौ। अब जब माइनस नौ आ गया तो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में है तो क्या होगा सोल्यूशन इसका, आप क्या करेंगे, स्क्वायर तो लेंगे ही, इस आई की जगह इस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं माइनस वन गुणे नाइन प्लस माइनस अंडर रूट,
माइनस वन की जगह पे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर। आई का मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर, और ये हो गया 9। अब आई स्क्वायर को जब बाहर आप लेके आएंगे तो ये आएगा आई, और 9 को बाहर लेके आएंगे इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो गया 3। तो आई 3 नहीं लिखा जाता, इसको हम कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस 3i। इसके दो वैल्यूज मिले, एक मिला 3i और दूसरा मिला माइनस 3i। हालांकि आपसे ये इसको पूछा नहीं जाएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। जब आप इसके ऊपर जाएंगे, 12th में जाएंगे और मैथ लेंगे तब इस चीज को पूछा जाएगा, लेकिन आप उन सिंबल को अभी से समझे रहें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो भी रहेगा वो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक। लेकिन हमने आपको ये बता दिया कि अगर बीच में प्लस भी आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, हमको घबराना नहीं है। क्या करेंगे, इधर आ गया, इधर लिखेंगे तो माइनस आया, ठीक। फिर जब रूट लेंगे इसका, तो अगर रूट के अंदर कोई संख्या निगेटिव है तो उसका जो हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, वो आई के साथ आएगा। इसकी जगह पे आप कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं कर सकते। आई फॉर इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कही जाती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं टाइप टू की। टाइप टू में क्या देखें, x square minus 7 बराबर 0। हमने आपको क्या बताया, इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर में हमने आपको बताया, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो इसके दो फैक्टर बने, x -√7 और x+√7 बराबर 0। एक बार इसको आप 0 करेंगे, x -√7 बराबर 0, x बराबर हो गया √7, और यहां से आप करेंगे x+√7 बराबर 0, तो यह बना x -√7। x की दो वैल्यूज मिल गई हमको, √7 और -√7। तो ये टाइप टू वो है कि जिसमें उसका सीधा सीधा स्क्वायर नहीं बन रहा है, उसको हम इस तरह करके देखेंगे। टाइप थ्री में देख लेते हैं, इस तरह करके लिखा है x² -15 = 1, x² -15 = 1। इसमें क्या करेंगे आप, x² पहला ये कि चाहे 1 को इधर लेके आए तो ये हो गया -15 - 1 = 0, ठीक। आ जाए इसको क्या लिखेंगे, x² - 16 = 0। 16 को क्या लिख सकते हैं, x² - 4 = 0। इसका फैक्टर बना x-4 और x+4, ये बराबर 0। x की दो वैल्यूज मिली, जब इसको बराबर करेंगे तो 4 आएगा, इसको करेंगे तो -4 आएगा, ठीक। इसी को सेकंड वे से आप कर सकते हैं, -15 को उधर लेके चले जाए तो ये हो गया 1+15, ये हो गया 16। x बराबर क्या आ गया, √16, और रूट के पहले √16। अब 16 का जब वर्गमूल लेंगे तो आएगा +-4। 4 का वर्गमूल कितना होता, स्क्वायर रूट कितना होता, +-4। x बराबर प्लस लिखा नहीं जाता, माइनस लिखा जाता, देखिए दोनों आंसर सेम है। तो आप चाहे जिस मेथड से कर लें आंसर सेम आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि यहां 1 ही हो, यहां कोई भी संख्या हो सकती। x² - 14, इधर हमने लिख दिया 11, x² - 14 = 11। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको इधर लेके आइए या इसको उधर लेके जाइए। तो x² हम आसानी हमारे लिए है कि हम -14 को उधर लेके गए तो +14 बना, तो ये हो गया आपका 25। x बराबर क्या हो गया, 25 का वर्गमूल लेंगे, +-√5। x की दो वैल्यूज मिल गई, एक 5 दूसरा -5, तो ये हो गया आपका टाइप 3। अब टाइप 4 में हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हालांकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, x² के मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, पर x की कोई x² + 4x - 32 = 0। अभी तक जो आप फैक्टर करते थे उसमें दाएं साइड में 0 नहीं होता था, इसमें क्या हो गया, दाएं साइड में 0 है, इसीलिए कह रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, या इसका सोल्यूशन लिखिए, या फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसके कितने रूट होंगे, पहले हम ये जान लें कितने रूट होंगे, 2, क्योंकि इस x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसके 2 रूट होंगे। अगर यहां 3 होता तो इसके 3 वैल्यूज निकलते। तो हम क्या करेंगे, इसके क्या करें, फैक्टर कर लें, x square plus 4x
माइनस 32 इक्वल 0। इसका फैक्टर आपको करना आता है, अगर नहीं आ रहा है तो इससे पिछला वाला लेक्चर आप देखें। देखिए यहां नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, 32 को 2 ऐसे पार्ट में आपको ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 4 आए। डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि यहां नेगेटिव साइन है और यहां प्लस है, तो जब 8 में से 4 को माइनस करेंगे तब पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32 इक्वल 0। अब x को कॉमन ले लीजिए, यह हो गया x प्लस 8, यहां से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, यह हो गया x प्लस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे और यहां x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, x प्लस 8 कॉमन हो गया तो यह हो गया x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 8 बराबर 0 करेंगे, x बराबर क्या आया माइनस 8, और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आया 4। x की हमको दो वैल्यूज मिल गई, कौन कौन मिल गया, माइनस 8 और 4। तो हमको कितनी वैल्यूज मिली, 2। क्यों, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए हमको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो ये हो गया आपका टाइप 4। अब इसी में आप साइन चेंज करके और करते रहिए। अगर ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे आप, जितनी चीजें दाईं तरफ लिखी हैं सबको आप बाएं उठा लाइए और दाईं तरफ आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कभी भी इस तरह के अगर आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दाईं तरफ जितनी चीजें हैं उनको बाईं तरफ ले आइए, दाईं तरफ 0 होना चाहिए। चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। इसको इधर ले आए तो ये प्लस 12 है तो माइनस हो गया 0। अब इसके आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, माइनस साइन है इसलिए दो ऐसे पार्ट करिए जिनका डिफरेंस 1 आए। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए बना x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो बना x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो एक बचा x माइनस 3, ये हो गया बराबर 0। x की वैल्यू हो गई माइनस 4 और यहां हो गई 3। x के टू वैल्यूज हमको मिल गए माइनस 4 और 3। टाइप 5 में क्या है, अब देखो इसको भी सॉल्व करने के कई मेथड हैं। पहला आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको फ्रैक्शन आता है, क्या आता है फ्रैक्शन, तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, x होगा। फिर क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, यहां तक ठीक। अब फिर क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में आपको बताया है कि अगर इक्वल के साइड लेफ्ट साइड में ये नीचे होगा डिनोमिनेटर में, तो उधर जब जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर एक्स गुणे 0। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अब ये आपका पहले वाले की तरह बन गया, इसको आपको करना आता है, चाहे फैक्टर से कर लीजिए या एक्स की वैल्यू सीधे निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर 4, x बराबर इसका वर्गमूल ले लीजिए प्लस माइनस 2, तो x के कितनी वैल्यूज मिली, 2 मिला और माइनस 2 मिला। ठीक, ये तो हो गया आपका पहला, इधर लिख देते हैं x के कितनी वैल्यूज मिले, 2 मिला और माइनस 2। सेकेंड आप क्या करेंगे, सेकेंड और इजी है, देखें जो चीज नीचे है, नीचे क्या है, x है, x से आप सब में गुणा कर दीजिए। इसमें गुणा करेंगे तो आएगा x गुणे x माइनस 4 गुणे x बटे x बराबर, इधर भी गुणा होगा ना, 0 गुणे x, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बना x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस 2 या माइनस 2। आप कैसे भी करें, जो आपको इजी लगे चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, जो आपको इजी लग रहा है उसी वे को आप फॉलो करें। इसी में दूसरा कर लीजिए, आप देख लीजिए अब क्या करेंगे, उसमें तो 0 था, इसमें 0 नहीं, तो इसमें एक स्टेप और आपका कम हो गया, देखिए इससे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 25 बराबर एक्स स्क्वायर, घुमा लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 5। क्यों आया, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, एक्स की दो वैल्यूज मिल गई 5 और माइनस 5। कैसे भी करके दिया हो आप, अगर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है तो आप सवालों को ना रखें, आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे आपके 100 क्वेश्चन लगेंगे, और 100 क्वेश्चन से
आप एक कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाएंगे, उसको रटे गया, ठीक। कैसे भी लिखा हो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मान लो ऐसे आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। अब क्या करेंगे आप, अभी आप सोचेंगे कि अभी तक तो x में माइनस नहीं लग रहा था, इसमें माइनस लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको दो तरह आप समझ सकते हैं, या तो इसको इधर लेके चले जाइए, तो ये आया आपका जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको दिक्कत लग रही है कि बाएं तरफ ही एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे घुमा दीजिए, तो ये बना एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 4, एक्स की दो वैल्यूज मिल गई प्लस 4 और माइनस 4। इसी को आप दूसरी तरह समझ सकते हैं, कैसे देखें, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर हमने आपको बताया था जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में रखिए, बाकी को किधर कर दीजिए, राइट साइड में कर दीजिए। इसको इधर लेके जाइए तो बना जीरो माइनस 16, तो जीरो में से 16 घटाए माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर मिला 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 4, ठीक। तो कैसे भी आप करें, आप कॉन्सेप्ट अगर जान रहे हैं तो तोड़ मरोड़ के आप कैसे भी आंसर को ले आएंगे, सोल्यूशन आप निकाल लेंगे। अब अगला टाइप देख लीजिए, टाइप 6, एक्स प्लस 7 बाई एक्स इक्वल 8, इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ। अभी तक आप क्या देख रहे थे, यहां जीरो है, अब इसमें जीरो नहीं है। इसके दो तरीके आपको बताए थे, या तो एलसीएम लेके कर लीजिए, या एक्स जो यहां नीचे कितना एक्स है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बना एक्स स्क्वायर। आप इसमें जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बना 7, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 8x। अगर नहीं समझ में आ रहा तो परेशान ना होइए, अभी दूसरा आपको बताएंगे समझ में आएगा। अब देखें आपको क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको बाईं तरफ रखिए, या सारी चीजों को आप बाईं तरफ ले आइए, दाईं तरफ खाली जीरो बचाइए, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आइए, माइनस 8x बराबर जीरो। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अब इसको सीरियली अरेंज कर लीजिए, पहला उसको लिखेंगे जो सबसे x की सबसे बड़ी घात है, वो तो लिखा हुआ है, ठीक। फिर हम उसको लिखेंगे जिसमें x की पावर 1 है, इसमें वो x की पावर 1 है, इसको हमने लिख दिया। फिर हम उसको लिखेंगे जिसमें x नहीं है, ठीक, मिल गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0। अब ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, यहां क्या है प्लस है, तो हम 7 के दो ऐसे पार्ट करेंगे जिनका एडिशन, जिसका सम इसके इक्वल आना चाहिए, अगर यह माइनस होता तो हम डिफरेंस लेते, तो 7 के दो ऐसे भाग, क्योंकि यहां नेगेटिव है तो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो हम 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इक्वल 0। अब यहां x की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 7, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे और इधर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 0। x की दो वैल्यूज हमको मिल गई, कौन कौन, एक बार जब इसको 0 करेंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 मिला, और जब x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक। इधर कैसा भी साइन हो आप पहले उसको इस रूप में लेके आएंगे, तो जब इस रूप में वो आ जाए तो इसके फैक्टर करना आपको आता है, इसके फैक्टर करना आपको आ रहा है, इससे आप x की वैल्यू निकाल लें। अब इसी में हम अगला टाइप देख लेते हैं, लास्ट x बराबर 2 प्लस 15 बटे एक्स, ये दिया हुआ, क्या करेंगे इसमें, हम दोनों तरफ देख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, कि डिनोमिनेटर में कौन सी चीज है, हर में कौन सी चीज है, ये देखिए हर में क्या x है, तो जो चीज आपको डिनोमिनेटर में मिले उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन में एक चीज आपको हमने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो दोनों साइड में उसी नंबर से या उसी लेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां देखिए डिनोमिनेटर में x है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका x स्क्वायर बराबर, इसमें भी x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 2x, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऊपर x नीचे कट गया, ठीक। अब क्या बताया था, उसके बाद इसको अरेंज कर लीजिए, क्या कर लीजिए,
अरेंज कर लीजिए। तो एक्स की सबसे बड़ी पावर पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर पहले से ही है। अब क्या करेंगे, उससे छोटी, दो से छोटी एक है, ठीक। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया माइनस टू एक्स, यहाँ प्लस टू एक्स था, इधर आया तो माइनस टू एक्स हो गया। इसको भी इधर खींच के आपको लाना है माइनस पंद्रह, इधर क्या बचा, जीरो। राइट हैंड साइड में जीरो बचना चाहिए, तभी आप फैक्टर कर पाएंगे और एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक। चलो अब 15 के आयन निगेटिव है, 15 के दो ऐसे पार्ट आपको करने हैं जिनका डिफरेंस माइनस टू आना चाहिए। क्यों डिफरेंस ले रहा है, यहां माइनस है इसलिए डिफरेंस ले रहा है, ठीक। तो पांच और तीन का डिफरेंस दो है, यहां तक तो ठीक है। अब यहां माइनस है, माइनस टू एक्स, मतलब छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाना पड़ेगा तभी माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स छोटा वाला है, माइनस फाइव एक्स बड़ा वाला है, बराबर जीरो। तो देखिए x की वैल्यू, x की जगह, हाँ इतना ठीक है। अब देखें x कॉमन ले लें तो ये बना x प्लस थ्री, यहां से माइनस पांच कॉमन ले लें ये बना x प्लस थ्री बराबर जीरो, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए x प्लस थ्री कॉमन ले लीजिए और यहां से कॉमन मिल जाएगा आपको x माइनस फाइव बराबर जीरो। तो जब x x प्लस थ्री बराबर जीरो करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस तीन आएगी, और जब x माइनस पांच बराबर जीरो करेंगे तो x की वैल्यू पांच आएगी, ठीक। तो ये इतने सेवन टाइप्स के थे जिनका आप सोल्यूशन आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी में क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो अगर इनका फैक्टर ना हो ही ना पाए, फिर हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन हम अब कह रहा है, अब क्या करें, इसका फैक्टर होगा, देखें आप इसका फैक्टर होगा नहीं होगा। 14 या 14 के दो ऐसे पार्ट आपको करना है जिनका एडिशन 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 14 के दो ऐसे पार्ट आप करेंगे तो एक सात दुनी 14 हुआ, एक 14 करना 14 हुआ, तो एक तो 9 होगा और दूसरा 15। यहां प्लस है आप घटा नहीं सकते, आपको जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। तो अब इसका हो नहीं पा रहा, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे आप देखिए, इसको हम इस तरह लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये इस फॉर्म का है, ये इस रूप का है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, देखिए ए की जगह पे कितना है, इससे इसको कंपेयर करिए, ए की जगह पे कितना है 1, बी की जगह पे कितना है 5, सी की जगह पे कितना है 40। ए बी सी को आप साइन के साथ लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करें, देखिए अब इस तरह के इक्वेशन हो जिसके फैक्टर ना हो पा रहे उनके एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, ये आप याद रखेंगे। फार्मूला बड़ा सा है लेकिन आपको याद करने में आसानी होगी, कई बार आप करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। या यहां इसको छोटा कर लें, इसको थ्री कर लेते हैं, तब भी नहीं आ रहा, थ्री के दो ऐसे भाग करेंगे, चेंज क्यों कर दिया, अभी इमेजिनरी नंबर आता इसलिए चेंज कर दिया, ठीक, सी बराबर हो गया थ्री। अब क्या करें, तो अब देखो फैक्टर हो पा रहा नहीं हो पा रहा, तीन के दो ऐसे फैक्टर करेंगे तो ये प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होंगे एक और तीन, एक और तीन को जोड़ेंगे तो चार ही हो रहा है, पांच नहीं आ रहा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद हो गया, अच्छा अब सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, माइनस बी, बी कितना है माइनस पांच, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी कितना है पांच, इसका स्क्वायर, पांच का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25, माइनस चार, ए कितना है एक, सी कितना है तीन बटे टू ए, दो गुड़े ए कितना है एक, यहां तक ठीक। अब चलिए एक्स बराबर माइनस पांच प्लस माइनस अंडर रूट 25 और चार करने में चार तिया 12, यह बना 25 माइनस 12 बटे दो एक
एक्स बराबर माइनस पांच प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 12 गया 13, 25 माइनस 12 13 और ये बना 2। यहां तक आप करके आ गए। अब अगली लाइन क्या करेंगे, देखो यहां 2 साइन लगा, एक बार प्लस लेंगे तो एक्स की एक वैल्यू हो गई माइनस पांच प्लस अंडर रूट 13 और पूरे एक बटे 2, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई माइनस, ये तो लेना ही, यहां से एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। एक्स की दो वैल्यूज मिल गई हमको माइनस फाइव प्लस रूट 13 बाई 2, माइनस फाइव माइनस रूट 13 बाई 2। ये उसके लिए है जिसका फैक्टर ना हो पा रहा हो इजी, आप फैक्टर वाले में भी लगाएंगे, लगा के देखिएगा उतना ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करके हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर, ठीक है। x की देखो इसके फैक्टर हो सकते हैं, यहां प्लस 2 करने दो, 2 1 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए x माइनस 2, और यहां माइनस 1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 2 बराबर 0। x की दो वैल्यूज मिल गई आपको, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। x की दो वैल्यूज मिल गई 2 और 1। अब आइए हम उससे करके देख लेते हैं, उस फार्मूले से करके देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि जिसका फैक्टर हो सकता है उसमें हम नहीं लगा सकते। चलो तो हमने क्या बताया था, एक इसका कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का, इसमें आप देखें यहां लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे इसको कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, यहां एक है और ऊपर कितना है, यहां एक, यहां ए है यहां एक, अच्छा बी की जगह पे कितना है देखें माइनस 3 है, हमने क्या कहा था साइन के साथ लिखना है, तो ये हो गया माइनस 3। सी की जगह पे कितना है 2, यहां तक ठीक। अब क्या करेंगे आप, अब वही फार्मूला लगाइए, याद रखिए इसको कितना आया है 2 और 1, 2 और 1 आया। अच्छा एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, यहां तक ठीक है। चलो अब एक्स बराबर माइनस बी, बी कितना है माइनस 3, तो यहां तो पहले से माइनस रहेगा ये, माइनस 3 लिखेंगे हम, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए कितना 1, सी कितना 3 बटे 2 गुणे ए कितना 1। देखो माइनस 3 माइनस और माइनस 3, ये हो गया प्लस 3, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस 4 करने में 4 दुनी 8, माइनस 8 बटे 2, यहां तक ठीक। इसके आगे चले चलिए, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 8 घटाओ 1 आया, यहां कितना बना 2। ऊपर चलते हैं, अंडर रूट 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। x बराबर 3 प्लस माइनस 1 बाई 2, ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब एक बार आप प्लस लेंगे, प्लस लिया तो कितना है 3 प्लस 1 बाई 2, और एक बार माइनस लेंगे तो 3 माइनस 1 बाई 2, तो 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 इधर कितना आया 2 बाई 2, 4 बाई 2 2 से भाग कर दीजिए, ये हो गया 2, अब ये 2 2 से कट गया 1। देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों के आंसर सेम है। तो आप अब ये देखिए, जब फैक्टर ना हो पाए, आपको लगे कि फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो आप इससे कर लीजिए, ठीक। अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है, तब और पहले निकल आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर इस तरह करके कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, पढ़ेंगे कैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इसको हम पहले सीख लेंगे, उसके बाद फिर इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करके हम देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।